आज आपके पड़ोसी जो आपके आपके बड़े साथ चाइना है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने आज एक आर्टिकल लिखा है और उन्होंने मिन्नतें की हैं आपकी कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, खुदारा हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पहले कर रखी है, ये डबल गेम बंद करें। पाकिस्तान के अंदर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया, एक मॉब ने, उसने कोई बात की, एक आदमी को पैगंबर साहब से कंपेयर करने के लिए एक मौलाना को लिंच कर दिया गया। अगर ऐसा ही रहा, पहले भी बहुत लिंचिंग हो चुकी है, अगर ऐसा ही रहा तो क्या आपको लग रहा है ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप मंगवा रहे हैं? अगर मैं आपसे ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे बता दूं, 1980 से आज तक हमारा जो ग्रोथ रेट है वो न सिर्फ भारत से कम रहा बल्कि बांग्लादेश से भी कम है और श्रीलंका से भी कम है। आपका सिर्फ इंडिया का दरवाजा बंद नहीं है, भारत का दरवाजा बंद नहीं है, आपके साथ वो शेक हैंड नहीं करना चाहता। आज चाइना भी चीखा है, उनका फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ आके चीख रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड बंद करो, ये अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बंद करो, हमारे पैसों के जो पीजे बनाए हैं, जो सारा कुछ किया है उनको भी कुछ ठीक करो, कुछ तरस करो हम पे। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है, चाइना सपोर्ट्स पाकिस्तान ऑन कश्मीर एंड बिलावल प्रोवोक्स इंडिया अगेन इन प्रेजेंस ऑफ चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर। जो जयशंकर साहब ने जिस तरीके से किया, वो उनकी भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स दोनों इस बात का तकाजा कर रही थी कि ये दोनों मुल्क इस वक्त एक दूसरे से दूरी रहें। सारी दुनिया डिजिटल इंडिया और स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट है, हमारी JIT के आसपास बकरों का घेरा है। एक पार्टनर है चाइना, उनके फॉरेन मिनिस्टर आपको पता है ट्रायलैटरल मीटिंग के सिलसिले में पाकिस्तान आए थे, उन्होंने ये कह दिया है कि डू मोर, डबल स्टैंडर्ड्स बंद करो ये दहशतगर्दी के मामले में, और जो सही है उसको सही को गलत कहो। अब तर साहब, और दूसरा उन्होंने ये भी कह दिया कि आप अपना घर ठीक करें, आप सारे आपस में लड़ रहे हैं और हमसे बाहर से मदद मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, आपने जो महंगाई की हुई है, इन्फ्लेशन है, ये जो सारा कुछ है ये आपकी लड़ाइयों की वजह से है। तो ताड़ साहब बेसिकली तो वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी जुबान में, अगर कहीं गली मोहल्ले में बैग बंदा का बंदे से पुत्र बनो की कर देवा तुसी, तो असल में तो चाइनीज, उनको ये पंजाबी आती नहीं है, लेकिन चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कह तो यही रहा था कि बंदे से पुत्र बनो छोड़ दे चवला। पाकिस्तान एक दुकान है, पाकिस्तान एक दुकान है, चीजें बिक रही हैं, बेचते हैं, कभी दहशतगर्दी बेची, कभी अपना प्रॉक्सी वार किसी की खेली, मर्सनरीज बने, डॉलर बनाए, लंदन में प्रॉपर्टियां क्या ख्याल आपने वो फ्री बना ली? आप इतने इंटेलिजेंट है कि आप हर जगह हर कैपिटल के अंदर आपके महल खड़े हैं। अब होता क्या है कि आप इस तरह करते हैं कि दो जूतों का सौदा किया और जूता एक देते हैं तो वो चीखते हो कहते हैं दूसरा जूती भी रखो, थे अच्छा पैसे देते रहे। अब आपने अमेरिका को बेचते रहे, अमेरिका हमेशा डूम और इसलिए कहता रहा है कि आप पूरा डिलीवर नहीं करते रहे और डबल गेम खेलते रहे उनके साथ, उनसे इंटेलिजेंस शेयरिंग करके दूसरी पार्टी को शेयर करते रहे, बताते रहे, उनके पास प्रूफ है इन चीजों के। अब चाइना से आपने 26 बिलियन डॉलर उनका ले लिया है और उनके आपने पीजे बना लिए तो उनका हक बनता है, वो कहते हैं भैया हमने पैसे दिए हैं यार डिलीवर इट। ये डूम ओवर कहना गलत है, ये इसकी डेफिनेशन ही गलत है डूम ओवर। वो कहते हैं साढ़े हक है, साढ़े पैसे हथे रखो टेबल पे, दिस इज व्हाट इट इज। आपने बेचा है पाकिस्तान तो पूरा दो भाई, पहले अमरीका भी यही कहता रहा, आज चाइना भी ये कह रहा है। डूम ओवर तो ये होता है रिक्वेस्ट हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। डूम ओवर तो होता है आप एलाइज हो, डूम ओवर तब होता है आपने उनसे पैसे ना लिए हो, आपने बेचा ना हो। वो कहते हैं सामने रख, लिस्ट दीती सी ये लिस्ट पूरी करो, ये है डूम ओवर। डूम ओवर नहीं है, डूम ओवर तो आपने इन्वेंट किया लफ्ज। वो कहते हैं भैन पैसे दिते जे रखो इतने, तुम ये क्या सी इन्हें अटैक करवाने ने, आपका आपका मशहूर है वो, आप अटैक करते जाए हम मजम्मत करते जाएंगे, ये आपके माजी है इसका। तो फिर उसमें आप ये डूम ओवर वाला नहीं है, वो अपना कहते हैं भाई आपने सौदा किया था, बेचा तुमने, तुमने सीपैक के जरिए बेचा है पाकिस्तान, आप सामने रखो हमारे। वो कहते हैं ये सारा कुछ होना है, अब ये बंद करो। बल्कि मैं जाती तौर पर बता रहा हूं, हमारे चीफ साहब होके आए हैं, उन्होंने कोई खास आके ये तो नहीं बताया, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि इस दफा आपने अगर चाइनीज की हिफाजत ना की तो अगली दफा चाइनीज आर्मी आके अपने प्रोजेक्ट्स को खुद अपनी हिफाजत करेगी, ये भी मैं बता रहा हूं। उसकी वजह ये है कि इतना आसान नहीं है कि बिलियंस डॉलर्स आप खा के डकार भी ना मारो, इट इज नॉट पॉसिबल। चाइनीज वॉन्ट एक्सेप्टेड, अमेरिकन एक्सेप्ट कर जाते चुप कर जाते, चाइनीज वॉन्ट डू इट। चाइनीज, चाइना की हिस्ट्री बड़ी खतरनाक है और चाइनीज आर वेकिंग अप। जो इस वक्त उनके प्रेसिडेंट शी है वो इंपीरियल चाइना का ख्वाब देख रहे हैं, इंपीरियल चाइना का, दे आर इंटरेस्टेड इन फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। आप इस वक्त फंसे हुए हर तरफ से, तो पाकिस्तान, what does Pakistan has to offer to India? मतलब इंडिया क्यों करेगा, मतलब ये भी तो है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक पेशेंट
बाईपास सर्जरी के लिए आईआर में पड़ा हो और आपको उसके कॉस्मेटिक सर्जरी की फिक्र हो, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त किंग चार्ल्स की जा चुके हैं। और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन ये था कि बिलावल भुट्टो साहब भारत गए थे तो वहां क्या, जिस तरह डीप स्टेट के, आप डीप स्टेट की बात कर रहे हैं, क्या वो इस पोजीशन में थे कि वहां कुछ चीजें वो हासिल कर सकते, क्या वो कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे? दो चार चीजें उसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा। एक तो आपके डीप स्टेट के पीछे से प्रेशर, दूसरा दोनों मुल्कों के अंदर इलेक्शन होने वाले, क्या वो जयशंकर साहब अफोर्ड कर पाते थे कि कोई खुल के बात करते? नहीं। तो इन सर्कमस्टांसिस में जब आपके आपका पेशेंट ब्लीडिंग हो रही है, बाईपास सर्जरी के लिए आईआर में पड़ा है, आप इस वक्त 40% इन्फ्लेशन रेट है वहां पे, श्रीलंका को आप क्रॉस कर चुके हैं इन्फ्लेशन में, अफगानिस्तान की करेंसी आपसे बेहतर परफॉर्म कर रही है, इन सर क्या करते? जी मैं यही कहना, फिर क्या करते? मतलब कह देंगे ठीक है फिर हम पड़े हुए आईसीयू के अंदर, तो आईसीयू में बैठे रहेंगे हम, जो है माजी में भी आपने कई मीटिंग्स जो है बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, जिस तरह बाइडन साहब की मीटिंग थी आपने वर्चुअल उनको अटेंड किया है। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके, मैं एक थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूंगा, आज आपके पड़ोसी जो आपके बड़े साथ चाइना है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने आज एक आर्टिकल लिखा है और उन्होंने मिन्नतें की हैं आपकी कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, खुदारा हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पहले कर रखी है, ये डबल गेम बंद करें, किसी एक डायरेक्शन पे चले। इस वक्त आप फॉरेन पॉलिसी लेस हैं, आप इस वक्त दुनिया आप पे एतमाद नहीं कर रही है, आप कभी मरासले पे चले जाते हैं फिर वहीं पे आप पे लाबियां हायर कर लेते हैं, फिर वहीं आपने कहा है खलील जादे की ट्वीट को आप सर आंखों पे बिठा देते हैं, कभी आप ब्रैड शर्मन के पास चले जाते हैं, कभी आपने पहले अर्ज किया कि अमेरिका सुलह कराए इनकी आपस में, तो इस वक्त क्या अमेरिका इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्टिंग है या नहीं? कि आज मेरे मादरे मिल्लत को एक और ठेस पहुंची है, आज मेरे मादरे मिल्लत को एक और ठेस इसलिए पहुंची है कि दुनिया देख रही है कि यहां क्या पक रहा है, किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। वो दरवाजे बंद, पहले ही आपका दरवाजा कोई भी नहीं खुला, इस वक्त आपका सिर्फ इंडिया का दरवाजा बंद नहीं है, भारत का दरवाजा बंद नहीं है, आपके साथ कोई शेक हैंड नहीं करना चाहता, आज चाइना भी चीखा है, उनका फॉरेन मिनिस्टर भी यहां आके चीख रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड बंद करो, ये अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बंद करो, हमारे पैसों के जो पीजे बनाए हैं, जो सारा कुछ किया है उनको भी कुछ ठीक करो, कुछ तरस करो हम पे ऊपर, वो चीखे आके। और आज इन अमेरिका ने तो वैसे ही, मैंने आपको कई दफा अर्ज किया, अमेरिका अब आपसे बात करेगा भारत से इजाजत लेकर, तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका आपका आपके साथ कितना अच्छा चल रहा है। हाँ, $30,000 महीने का अगर आप CIA चीफ स्टेशन चीफ हायर कर लें तो वो चंद लोगों की ट्वीट्स करा सकता है, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का आप हिस्सा नहीं है, यू हैव बिकम इररेलीवेंट, बल्कि इररेलीवेंट नहीं है, क्वेश्चन मार्क है उनके, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सबसे बड़ा दाग इस वक्त फॉल ऑफ काबुल है, बल्कि वो ये समझते हैं इस वक्त रिपब्लिकन खासकर कि उस फॉल ऑफ काबुल में आपने उनको धक्के दिए, आप एक बायस बने, आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनको बैक स्टैब किया है। तो इन सर्कमस्टांसेस अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस आप देख रहे हैं कि आप कहां जाएंगे। मैं समझता हूं उन चंद पाकिस्तानियों में से जो ख्वाहिश करता है, जो कहता है डिजिटल पाकिस्तान बने। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले।